नमस्कार दोस्तों, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को बड़ा विकेट कीपर मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने ग्लेन मैक्सवेल को रनआउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई है। टी20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद मैक्सवेल वनडे सीरीज में भी लगातार रन बना रहे हैं। रांची में पांचवें वनडे मैच के तीसरे मुकाबले में मैक्सवेल आसानी से बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे। खासतौर पर रविंद्र जडेजा, केदार यादव और कुलदीप यादव की गेंदों पर मैक्सवेल ने जमकर रन बटोरने का काम किया। मैक्सवेल ने तेजी से अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। भारत के 42 ओवर की पहली गेंद पर मैक्सवेल ने डीप एक्स्ट्रा कोर्ट पर ऊपर से छक्का लगाया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर खराब तालमेल और जडेजा के सटीक थ्रो की वजह से उन्हें आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। दरअसल ओवर थ्रो के रन पर शॉन मार्श ने हल्के हाथों से खेलकर मैक्सवेल को रन लेने के लिए कहा। इसी बीच जडेजा ने तेजी से थ्रो किया, महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में गेंद फेंकी। महेंद्र सिंह धोनी ने बिना कोई देर किए स्टंप को लगाया, पर इस बात की यह रही कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ऊपर से थ्रो किया। रविंद्र जडेजा ने उनके राइट साइड पर थ्रो किया, महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ हाथ को थ्रो किया और वो स्टंप पे आके लग गई। ये एक शानदार और अद्भुत रनआउट था। इसी के बीच मैक्सवेल 31 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 314 रन खड़े करिए। कप्तान एरन फिंच और उस्मान ख्वाजा ने पहले विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी की। एरन फिंच शतक बनाने से चूक गए।